हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएसयू टेक और मैं हूं सुशील। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, इसके ऊपर मैंने कुछ एनालिसिस की है और कुछ डेटा निकाल के लेके आया हूँ आपके सामने। और ये डेटा मैंने एक वेबसाइट से निकाला है, ये वेबसाइट है worldometer.info। तो इससे डेटा निकालने के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वेबसाइट पे हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है। मैंने इसको कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ अच्छा विजुलाइजेशन बना आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो ये मैंने पावर बीआई के अंदर बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए हैं अभी तक। तो आप देख सकते हो 2,44,894 केसेस हो चुके हैं और अभी तक एक्टिव केसेस कितने हैं। तो एक्टिव केसेस जैसा कि आप देख सकते हो 1,47,458 एक्टिव केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद कितनी डेथ हो चुकी है, तो 10,028 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। और इसके बाद आप देखिए टोटल रिकवर्ड केसेस कितने हुए हैं, वो हुए हैं 87,408 लोग इससे रिकवर हुए हैं। कितने क्रिटिकल केसेस अभी हैं, आप देख सकते हो 7,520 अभी भी क्रिटिकल केसेस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज कैटेगरी वाइज, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि टोटल डेथ कितने परसेंट हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे देख के कि टोटल केसेस 2,44,894 हैं, तो कितने परसेंट की डेथ हो चुकी है, तो 4.09% की डेथ हो चुकी है। कितने परसेंट रिकवर हो चुके हैं, तो 35.69% केसेस रिकवर हो चुके हैं और अभी भी 60.21% अभी भी एक्टिव केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि कितने एक्टिव केसेस टॉप 5 कंट्रीज में हैं, वो यहां पर आप देख सकते हो। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये स्टार्ट हुआ था चाइना से और उसके बाद अब सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस चाइना में नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस इटली में है, तो इटली में आप देख सकते हो कितने केसेस हैं। आप इसके ऊपर जाके यहाँ देख सकते हो 33,190 केसेस अभी भी इटली में हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद स्पेन में है, स्पेन में जाके आप देख सकते हो 16,139 केसेस हैं। इसके बाद जर्मनी में 15,161 केसेस हैं, फिर ईरान में 11,144 केसेस हैं। इसके बाद चाइना में, तो नंबर 5 पे चाइना है एक्टिव केसेस के मामले में इस टाइम पे, वो 7,263 ही सिर्फ बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं राइट साइड इस ग्राफ में क्या दिखता है हमें। यहाँ पे हमें दिखता है कि टोटल केसेस, एक्टिव केसेस, न्यू केसेस और क्रिटिकल केसेस। तो बेसिकली चाइना नंबर 1 पे है, जैसे कि आप जानते हो ये वायरस स्टार्ट ही चाइना से हुआ है। और यहाँ पे देखो, आप चाइना देख सकते हो टोटल केसेस कितने हैं, 80,928 ये टोटल केसेस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने एक्टिव केसेस हैं, तो 7,263 एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद आप आगे ले जाके देख सकते हो रेड कलर में, ये हैं कितने क्रिटिकल केसेस हैं, तो क्रिटिकल केसेस 2,274 अभी भी क्रिटिकल केसेस चाइना में हैं। सेकंड में इटली आता है, इटली में टोटल केसेस हैं 41,035। अब यहाँ पे एक्टिव केसेस देखो, तो एक्टिव केसेस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज सबसे ज्यादा इटली में है। तो इटली में आप देख सकते हो यहाँ पे 33,190। इसके बाद आप येलो में देख सकते हो जो कि नए केसेस हैं, तो इटली में नए केसेस 5,322 नए केसेस ऐड हुए हैं, 2,498 क्रिटिकल केसेस हैं इटली में। इसके बाद ईरान, फिर स्पेन, फिर जर्मनी, फिर यूएस, फ्रांस, ऐसे करके आप सारी कंट्रीज का आप देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर कंट्री का चेक करते हैं। जैसे हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया का डेटा चेक करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में जो कंट्री है इसको पहले हम अनसेलेक्ट करते हैं सारा डेटा। अब इसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करेंगे इंडिया का। तो इंडिया के लिए हम नीचे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हमें इंडिया दिखेगा, ये रहा इंडिया। इंडिया को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टोटल केसेस इंडिया में कितने हैं, 194। एक्टिव केसेस 170 अभी भी इंडिया में हैं। टोटल डेथ 4 लोगों की हो चुकी है, रिकवर्ड 20 हुए हैं और कोई भी क्रिटिकल केस अभी इंडिया में नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा कि एक्टिव केसेस इंडिया में कितने हैं, 87.63%, बिकॉज टोटल केसेस 194 अपने पास हैं और 170 अभी भी एक्टिव हैं। यहाँ पे टोटल रिकवर्ड में आप जाके देखोगे तो 10.31% रिकवर हो चुके हैं, तो रिकवरी काफी अच्छी है। इसके बाद अगर डेथ में जाके देखोगे तो
टोटल 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, तो 2.06% लोगों की डेथ हो चुकी है इंडिया में। अब इसके बाद हम इंडिया के बाद चेक करते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के लिए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कंट्री का डेटा हमें देखना है हम पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल केसेस पाकिस्तान में 454 हैं, एक्टिव केसेस 439 हैं, 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, 13 लोग रिकवर हो चुके हैं और अभी भी कोई क्रिटिकल केस पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितने एक्टिव केसेस हैं, ये 96.7% एक्टिव केसेस हैं। यहाँ पे टोटल रिकवर कितने हुए हैं, 2.06% रिकवर हुए हैं। अब इसके बाद हम चेक करते हैं यूएस का, तो यूएस के लिए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम फिल्टर करते हैं यूएस के लिए। अब इसके बाद जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल यूएस में 13,789 केसेस हुए हैं, एक्टिव केसेस 13,474 हैं, टोटल डेथ 207 लोगों की हो चुकी है और टोटल रिकवर्ड केस 108 हैं और क्रिटिकल अभी भी 64 केसेस हैं यूएस में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव केसेस 97.72% है यूएस में और टोटल रिकवर कितने हुए हैं 0.78%, तो रिकवरी बहुत ही कम है यूएस में। और इसके बाद हम चेक करते हैं यूके का, तो यूके पे क्लिक करते हैं हम। अब यहाँ पे टोटल केसेस यूके में 3,269 हैं, एक्टिव केसेस 3,060 हैं और यहाँ पे 144 लोगों की डेथ हो चुकी है और टोटल रिकवर हुए हैं 65 लोग। इसके बाद आप देख सकते हो अभी भी 20 क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन में हैं, तो यहाँ पे टोटल रिकवरी आप देख सकते हो 1.99%, इट मीन्स अराउंड 2%, और एक्टिव केस 93.61%। आप किसी भी कंट्री का डेटा यहाँ से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कुछ कंट्रीज का डेटा और हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जैसे हम इटली का डेटा चेक कर लेते हैं बिकॉज सेकेंड पे इटली था, तो इटली का डेटा यहाँ पे देखने के लिए हम इटली पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे टोटल केसेस इटली में 41,035, एक्टिव केसेस 33,190, टोटल 3,405 लोगों की डेथ हो चुकी है, ये बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा है। इसके बाद टोटल रिकवरी जो हुई है वो हुई है 4,440 और अभी भी सीरियस केसेस 2,498 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव केसेस में 80.88%, यहाँ पे देख सकते हो टोटल डेथ 8.3% और टोटल रिकवरी 10.82%, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इटली में। इसके बाद हम चेक करते हैं चाइना का, चूंकि इसका स्रोत चाइना ही है तो अब हम चेक कर लेते हैं चाइना का। तो चाइना पे क्लिक किया हमने, अब चाइना पे आप देख सकते हो 80,928 केसेस हैं, एक्टिव केसेस सिर्फ और सिर्फ 7,263 हैं, टोटल 3,245 लोगों की डेथ हुई है। अब यहाँ पे रिकवरी आप देख सकते हो 70,420 लोगों की रिकवरी हो चुकी है चाइना में, सीरियस क्रिटिकल 2,274 केसेस ही हैं। तो अब यहाँ पे रिकवरी में अगर आप देखोगे तो 87.02%, तो चाइना में रिकवरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने रिकवर किया है इसको, और एक्टिव केसेस सिर्फ और सिर्फ 8.97% ही बचा हुआ है। तो चाइना का वायरस है ये और चाइना में अब बहुत ही कम इसका परसेंटेज है। तो दोस्तों अगर आपका किसी और कंट्री का डेटा आप देखना चाहते हो, उसका उस पर और एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर एनालिसिस पे एक नई वीडियो बनाऊंगा, करंट डेटा के साथ मैं एक नई वीडियो बना के अपलोड करूंगा जिसमें आप लोगों के लिए मैं उन कंट्रीज का डेटा दिखाऊंगा जिन कंट्रीज पे आप देखना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो जितने भी नए अपडेट हैं आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।